आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो ट्रेन चलती है, ट्रेन के ऊपर जो सप्लाई दिया हुआ रहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो वायर को इंस्टॉल किया हुआ रहता है उस वायर में सप्लाई कौन सा होता है, और जो ट्रेन चलती है उसमें मोटर जो लगे हुए होते हैं वो मोटर कौन से होते हैं, इसी के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। और यही वाले पार्ट का नाम था पावर सप्लाई अरेंजमेंट। उसके तीन प्रकार थे जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में समझे थे कि आखिर जो डीसी सप्लाई दिया जाता है वो कैसे कैसे अरेंजमेंट होता है उसका, और कैसे सप्लाई मोटर तक पहुंचता है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जब एसी सप्लाई दिया जाता है, यानी एसी ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, तब उसमें सप्लाई कैसे प्रोवाइड किया जाता है लोकोमोटिव तक और कैसे ऑपरेट होता है। और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कंपोजिट ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन। इसमें क्या होता है, एसी और डीसी दोनों का कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है पावर सप्लाई के रूप में, तब उसको बोलते हैं कंपोजिट ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन। सबसे पहले एक एक करके हम लोग समझते हैं डीसी ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन में कैसे सप्लाई दिया जाता है और कितना फेज का सप्लाई दिया जाता है, कहाँ तक फेज सप्लाई आता है वो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया था। फिगर बताना बाकी था, आज हम लोग फिगर समझेंगे और इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज समझेंगे, और फिर एसी इलेक्ट्रिफिकेशन और उसके बाद कंपोजिट इलेक्ट्रिफिकेशन। हमने बताया था कि डीसी ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन के केस में ज्यादातर केस में जो सप्लाई दिया जाता है वो थर्ड रेल सिस्टम से या फोर्थ रेल सिस्टम से सप्लाई दिया जाता है, लेकिन ओवरहेड कनेक्शन से भी, ओवरहेड वायर से भी सप्लाई दिया जाता है, जिसका वोल्टेज 300 वोल्टेज से 1500 वोल्टेज या 1600 वोल्टेज तक होता है। अब इसमें कैसे मोटर तक जाता है सप्लाई उसके बारे में फिगर से समझते हैं और फिर इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये है ओवरहेड वायर, जो आप ट्रेन देखे हैं ट्रैक पे, यानी रेल पे ट्रेन चलता है उसके ऊपर वायर लगे होते हैं, वो है ये वाला वायर। ये वाला वायर से पेंटोग्राफ के माध्यम से, इसको बोलते हैं पेंटोग्राफ, जिससे देखे होंगे वो तिरछे इस तरीके का बना होता है, इस तरीके का, और ये ऊपर नीचे करके वायर से कनेक्ट होते रहता है, उसको बोला जाता है पेंटोग्राफ या वो कलेक्टर। इसके थ्रू इस सप्लाई से डायरेक्ट सप्लाई कहाँ तक आता है, लोकोमोटिव के मोटर कंट्रोल तक। ध्यान रखिएगा, हमने बताया था कि यहाँ पे जो मोटर लगे होते हैं, देखिए ये जो अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर लगे होते हैं, डीसी सीरीज मोटर लगे होते हैं। अब डीसी सीरीज मोटर लगे होते हैं, सप्लाई भी डीसी ही दिया जाता है, तो हमको कोई कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। लेकिन सप्लाई अगर एसी होता और मोटर डीसी लगे होते तब देखा जाता, लेकिन यहाँ पे सप्लाई डीसी है और मोटर भी डीसी लगे हुए हैं, इसलिए बिना कोई कन्वर्जन के डायरेक्टली सप्लाई आता है मोटर कंट्रोल तक। यहाँ से जो भी वोल्टेज रिक्वायरमेंट होता है ये आपको लोकोमोटिव में इंजन के पास होता है, यहाँ से सप्लाई को कंट्रोल, मोटर का कंट्रोल है, सप्लाई का ही कंट्रोल यहाँ से दिया जाता है, और यहाँ पे मोटर लगे होते हैं। ये आपको चक्का दिख रहा है, यानी पहिया जिसपे घूमेगा, मोटर इससे कनेक्ट होते हैं और ये सप्लाई डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है। अब बात समझिए, यहाँ से सप्लाई दिया जाता है और रिटर्निंग होता है, ये जो आपको रेल दिख रहा है, रेल इस ट्रैक को बोला जाता है, ना कि इसको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, हमने पहले ही बताया था। इस रेल के माध्यम से, यानी जिसपे ट्रेन रन करते हैं, उस रेल के माध्यम से वो वापस हो जाता है। ये था डीसी का अरेंजमेंट कि कहाँ से सप्लाई जाता है और कैसे वो रिटर्न होता है। थर्ड रेल सिस्टम, फोर्थ रेल सिस्टम क्या होता है उसका हम अलग एक वीडियो स्पेशल देखेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। अब हम लोग इसका एडवांटेज देखते हैं और डिसएडवांटेज देखते हैं कि डीसी ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। डीसी ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन का ये है एडवांटेज और उसके बाद डिसएडवांटेज, एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है, इन केस ऑफ हैवी ट्रेन्स रिक्वायर्ड रैपिड एक्सेलरेशन, डीसी ट्रैक्शन मोटर आर सुटेबल एज कम्पेयर टू एसी। बात समझिए, हम डीसी ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन का देख रहे हैं, यानी उसमें सप्लाई कौन सा आ रहा है, डीसी, और यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर ट्रेन में ज्यादा इक्विपमेंट लगे हैं, ज्यादा उसमें सामान लोड है उस पर, तो उन ट्रेनों को एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन कहने का मतलब कि जल्दी से स्पीड पकड़ने के लिए जो मोटर चाहिए, वो मोटर कौन सा मोटर चाहिए, डीसी ट्रैक मोटर या ट्रैक्शन मोटर जिसको बोलते हैं, डीसी सीरीज मोटर एक्चुअली में होता है,
वो मोटर चाहिए, यानी मोटर हमको कौन सा प्रिफर करना है, डीसी वाला मोटर, और सप्लाई कैसा आ रहा है, डीसी ही आ रहा है। तो ये एक एडवांटेज हुआ कि जो रिक्वायरमेंट था, हमारा रिक्वायरमेंट था कि हम डीसी मोटर यूज करें और सप्लाई भी डीसी ही मिल जा रहा था, तो ये फायदा हुआ कि नहीं, यानी डीसी मोटर सूटेबल था जिसके लिए सप्लाई चाहिए था डीसी और वो हमको मिल जा रहा है, तो वो एक एडवांटेज हुआ। नेक्स्ट है द इक्विपमेंट इन डीसी ट्रैक्शन मोटर इज लेस कॉस्टलियर। क्या बता रहा है कि अगर डीसी ट्रैक्शन मोटर लगाया जा रहा है, अब बात को समझिए, सप्लाई भी डीसी आ रहा है और डीसी मोटर भी लगा हुआ भी है, तो बताइए उसमें कोई कन्वर्जन करने के लिए कोई इक्विपमेंट जरूरत होगा, नहीं। यही बोल रहा है कि इक्विपमेंट इन डीसी ट्रैक्शन सिस्टम इज लेस कॉस्टलियर, यानी महंगा नहीं पड़ेगा, अगर हम डीसी सप्लाई का यूज करते हैं तो वो सस्ता पड़ेगा। उसके बाद है इट कॉज नो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस विथ कम्युनिकेशन है। हमने पहले ही बताया था कि जो एसी सप्लाई होता है उसमें सर्जेज क्रिएट होते हैं, सर्जेज क्रिएट यानी एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से वोल्टेज का वैल्यू को बढ़ना कमना, लेकिन डीसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो एक्सटर्नल इफेक्ट है यानी कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है उससे डीसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी इसका मैग्नीट्यूड जो होता है कॉन्स्टेंट होता है, तो डीसी से यह भी एक फायदा है। नेक्स्ट है डीसी ट्रेन कंज्यूम लेस एनर्जी। डीसी होता है जो मोटर लगे होते हैं वो एसी के कंपेयर में जो उसमें इक्विपमेंट लगे होते हैं, हमने पहले ही बताया कि डायरेक्ट अगर डीसी सप्लाई दिया जाए और मोटर भी जो यूज हो रहे हैं वो डीसी ही यूज हो रहे हैं, तो एक्स्ट्रा जो इक्विपमेंट लगे होंगे वो नहीं होगा, तो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगे हैं वो नहीं होगा, तो ऑब्वियसली है कि लॉसेस उसमें कम होंगे। तो ये कुछ इसके एडवांटेज थे। डिसएडवांटेज देखिए क्या क्या है। पहला डिसएडवांटेज है एक्सपेंसिव सबस्टेशन आर रिक्वायर्ड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल। हमने पहले बताया कि जो सप्लाई आता है एक्चुअल में जो ट्रांसमिशन होता है पावर ग्रिड तक, वो जो ट्रांसमिशन होता है पावर ग्रिड कहने का मतलब कि ये आपको ट्रैक दिख रहा है, इसके नजदीक कौन से होते हैं, सबस्टेशन होते हैं, और इस सबस्टेशन में जो सप्लाई आता है, जहां से सप्लाई आता है यहां तक जो सप्लाई आता है वो एसी सप्लाई ही आता है। अब यहां से हमको डीसी रिक्वायरमेंट होगा, तो जैसे ही एसी से डीसी रिक्वायरमेंट होगा तो यहां पे कन्वर्जन जरूरी होगा कि नहीं, यानी एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए तो जो सबस्टेशन इंस्टॉल करने होंगे उस सबस्टेशन में एक्स्ट्रा इक्विपमेंट इंस्टॉल करने होंगे, इसकी वजह से जो सबस्टेशन होगा वो महंगा होता है। बात समझिए महंगा क्यों होता है उसका अब बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट है द ओवरहेड वायर और थर्ड रेल मस्ट बी रिलेटिवली लार्ज एंड हैवी। हमने पहले बताया कि जो डीसी के केस में होता है वो थर्ड रेल सिस्टम से और फोर्थ रेल सिस्टम से सप्लाई इसमें दिया जाता है, तो जो एक्चुअल में थर्ड रेल सिस्टम से जो सप्लाई दिया जाता है यहां पे जो इंस्टॉलेशन होता है वो ट्रैक के जैसा ही, जो आपको देखे होंगे पोल, देखे होंगे पोल लोहे वाला जो ट्रैक होता है स्टील का, उसी स्टील के एक और स्टील या स्टेनलेस स्टील उसी के जैसा एक और बना होता है, तो उसी के थ्रू सप्लाई दिया जाता है। अब बताइए उस लोहे का कॉस्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो थर्ड रेल सिस्टम और फोर्थ रेल सिस्टम जो होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, साथ ही साथ इसको प्रोटेक्शन पर्पस के लिए भी इसका एक्स्ट्रा लेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, इसको बाढ़ से या फ्लोएट से किसी भी प्रकार से इसमें लॉसेस ना हो, वाटर से संपर्क में नहीं आए, ह्यूमन से संपर्क में नहीं आए, इसलिए इस पे प्रोटेक्शन चाहिए, उसमें भी एक्सपेंसिव होता है। यही बता रहा है कि ओवरहेड वायर और थर्ड रेल सिस्टम मस्ट बी रिलेटिवली लार्ज एंड हैवी, ज्यादा हैवी होते हैं ये वाला डीसी के केस में। नेक्स्ट है वोल्टेज गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन लेंथ। अब बताइए कि वोल्टेज ड्रॉप, जैसे कि ये वाला इंस्टॉलेशन होता है थर्ड रेल सिस्टम या ओवर हेड सिस्टम, उसमें वोल्टेज जैसे जैसे जाते हैं, हमने बताया था कि वोल्टेज ड्रॉप जो ड्रॉप होता है वो होता है आई आर, और एसी के केस में आई को वैल्यू को रिड्यूस कर दिया जाता है, बात समझिए आई के वैल्यू को रिड्यूस कर दिया जाता है, जिससे वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू भी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। लेकिन डीसी के केस में ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, जितना सप्लाई वोल्टेज देना होगा वो हमको प्रोवाइड करना ही होगा, बात समझ रहे हैं, डीसी के केस में ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है, तो जो वोल्टेज देना है वो वोल्टेज रहेगा, जो करंट है वो करंट रहेगा, तो करंट का वैल्यू ज्यादा रहने की वजह से जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है वो भी ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे आप लेंथ को बढ़ाइएगा उस तरीके से वोल्टेज ड्रॉप दर दर क्या होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, इसके वजह से बोल रहा है कि डिक्रीजिंग, जो लास्ट एंड पे वोल्टेज पहुंचता है वो डिक्रीज यानी कमते जाता है, जैसे जैसे आप इसका लेंथ को बढ़ाइएगा वोल्टेज का वैल्यू क्या होता जाता जाएगा, कमते जाएगा, क्यों कमते जाएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप की वजह से। ये था डीसी ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आगे हम लोग पढ़ते हैं एसी ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज और कैसे सप्लाई दिया जाता है। एसी ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन, इसमें सप्लाई कैसे दिया जाता है और कैसे वो मोटर तक पहुंचता है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप
ये समझिए कि ये क्या है, OHE है, ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन यानी ओवरहेड इक्विपमेंट भी कह सकते हैं। ये वायर है, वायर है जिसमें सप्लाई दिया जा रहा है। अब ये वाला ट्रैक आपको दिख रहा है, ये नीचे ट्रैक है और ऊपर ऊपर क्या है, वायर है। अब इस वायर में जो सप्लाई आता है वो इस ट्रैक के आउटसाइड में, आप सबस्टेशन देखे होंगे यानी जहां पे कंट्रोलिंग किया जाता है, यहां तक जो सप्लाई आता है वो एसी सप्लाई आता है, थ्री फेज सप्लाई आता है, सिंगल फेज सप्लाई आता है, डिपेंड करता है लेंथ पे। मान लिया जाए कि यहां पे सिंगल फेज सप्लाई आ रहा है, लेकिन इससे पहले वाले जो सबस्टेशन होंगे यहां पे थ्री फेज सप्लाई आएगा। अब देखिए कैसे यूज होता है। आपने देखा कि यहां पे जो लाइन इंस्टॉल किया जाता है, ओवरहेड जो वायर है वो इंस्टॉल एक ही फेज होता है। अब एक फेज में यहां पे सप्लाई है तीन फेज और एक फेज में सप्लाई दिया गया है, बताइए कि एक फेज पे ज्यादा लोड पड़ेगा कि नहीं। यही बात को समझिए कि ऐसे करके एक फेज इस सबस्टेशन से यहां दे दिया गया, यहां से दूसरे फेज को इस सबस्टेशन से यहां दे दिया गया, तीसरे फेज को यहां दे दिया गया, यानी तीनों फेज का यूज होता है। बात समझिए, तीनों फेज का यूज हो रहा है लेकिन एक ही जगह पे नहीं। एसी में, अब बताइए डीसी में क्या था, यहां से एसी आता था थ्री फेज और इसके बाद डीसी में कन्वर्ट करके डायरेक्टली दे दिया जाता था, लेकिन यहां से क्या हो रहा है, हर एक फेज तीनों फेज का यूज यहां पे किया जा रहा है। अब सप्लाई और वोल्टेज की बात करते हैं, तो एसी ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन में दो तरीके से वोल्टेज सप्लाई दिया जाता है। पहला 11 से 15 किलो वोल्ट, अगर सप्लाई वोल्टेज जिसमें 11 से 15 किलो वोल्ट है तब उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा 16.7 हर्ट्ज से लेकर के 25 हर्ट्ज तक हो सकता है, पहला सप्लाई का। दूसरा है 25 किलो वोल्ट, यानी 25 किलो वोल्ट सप्लाई जो दिया जाता है वो कितना फ्रीक्वेंसी पे दिया जाता है, 50 हर्ट्ज पे दिया जाता है, और यही वाला ज्यादातर यूज होता है। एसी यूज करने के अपने कुछ फायदे हैं डीसी के कंपेयर में, ध्यान रखिएगा हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस ओएचई की, यहां पे इक्विपमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं कि कौन सा मोटर लगा होता है और कौन सा कंट्रोलिंग होता है, हम सिर्फ अभी ओवरहेड जो वायर है उसकी बात कर रहे हैं। एसी अगर इसमें इंस्टॉलेशन किया जाता है तो इसके कुछ अपने फायदे हैं, जैसे ट्रांसमिशन के लिए ये जो इक्विपमेंट इंस्टॉल किया हुआ है इसमें लाइन देने के लिए हमको कन्वर्जन करना नहीं पड़ेगा। दूसरा, हम वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज कर देंगे और करंट का वैल्यू, जैसा कि 25 किलो वोल्ट तक यहां सप्लाई दिया हुआ है और करंट का वैल्यू डिक्रीज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉसेस इसमें कम जाएंगे, वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो इसके कुछ अपने फायदे हैं एसी ट्रांसमिशन के लिए। हालांकि यहां पे अलग अलग सप्लाई हो सकता है, सप्लाई समझ में आया कि किस तरीके से ओवरहेड में सप्लाई दिया जाता है। आगे हम लोग यहां से बात करते हैं, देखिए ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ये है ये वाला वायर यानी OH ओवरहेड वायर। अब यहां से पेंटोग्राफ के माध्यम से, इसको क्या बोलते हैं, पेंटोग्राफ, पेंटोग्राफ के माध्यम से ये सप्लाई कहां तक आ रहा है, ट्रांसफार्मर तक आ रहा है। हमने बताया कि डीसी में ट्रांसफार्मर का कोई यूज नहीं होता है लेकिन एसी में ट्रांसफार्मर का यूज होता है, हम लोग वोल्टेज का वैल्यू कम या बढ़ा सकते हैं। अब 25 किलो वोल्ट है, 25 किलो वोल्ट पर तो कोई मोटर को हम लोग डायरेक्टली नहीं चला सकते हैं, इसीलिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर से वोल्टेज का वैल्यू डिक्रीज करते हैं। अब ये बोलिएगा कि ये ट्रांसफार्मर कहाँ लगा हुआ है, तो ये उस लोकोमोटिव पे लगा हुआ है, वो ट्रेन पे लगा हुआ है, ट्रेन के इंजन पे लगा हुआ है, इंजन पे ही ये इंस्टॉल होते हैं ट्रांसफार्मर। और भी यहाँ पे इक्विपमेंट होता है ट्रांसफार्मर के बाद इंसुलेटर, जो भी सर्किट ब्रेकर ये सब इसका स्विचिंग के लिए रिक्वायरमेंट होता है। ट्रांसफार्मर के माध्यम से वोल्टेज को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, उसके बाद सप्लाई मोटर कंट्रोल, सप्लाई को कंट्रोल करके मोटर दिया, मोटर के पास दिया जाता है। ये हो गया आपका मोटर। अब मोटर जो होता है वो 3.3 किलो वोल्ट 16.7 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे जनरली ऑपरेट होते हैं। बात समझिएगा, जो मोटर यहां पे इंस्टॉल है वो कितना रेटिंग का होगा, तो 3.3 किलो वोल्ट का और 16.7 हर्ट्ज पे ऑपरेट होंगे। बात समझ रहे हैं, यहां पे जो यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, कौन सा मोटर, हमने एसी सप्लाई दे रखा है तो यहां पे जो मोटर यूज होगा वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर यूज होता है। इंडक्शन मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है,
वो डीसी सीरीज मोटर के जैसा ही मिलता है। बात समझिएगा, इंडक्शन मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो कुछ हद तक डीसी सीरीज मोटर के जैसा मिलता है, लेकिन स्टार्टिंग फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग नहीं होता है। इसके लिए इंडक्शन मोटर के दो टाइप होते हैं, उसका यूज किया जाता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या डबल केज इंडक्शन मोटर। आगे वो मोटर की बात है, जनरली यहाँ पे जो यूज होता है वो कौन सा मोटर होता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, और उसका जो रेटिंग यहाँ पे कितना होता है, 3.3 किलोवोल्ट से 16.7 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे। अब बताइए यहाँ पे सप्लाई था 25 किलोवोल्ट, इसमें कितना था सप्लाई, 25 किलोवोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितना था 50 हर्ट्ज। अब इसका यूज करने के लिए हमने क्या किया, ट्रांसफार्मर की मदद से सप्लाई को कम किया, फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए कन्वर्टर, जो भी इक्विपमेंट अरेंजमेंट है वो यूज किया जाता है, और मोटर तक ये सप्लाई पहुंचता है। इस तरीके से एसी ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन में ओवरहेड से सप्लाई पहुंचता है। अब सप्लाई यहां से जाता है, यहां से सप्लाई इधर से होते हुए ये ट्रैक के माध्यम से पुनः रिटर्न हो जाता है, यहां से सप्लाई गया और ये ट्रैक के माध्यम से क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। और ट्रैक का इंपॉर्टेंट काम होता है इसका सिग्नलिंग में, आगे हम लोग सिग्नलिंग में जब आएंगे तब देखेंगे। ये था, अब इसके हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे कि क्या है एसी ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सबसे पहला एडवांटेज है, ए फ्यूअर सबस्टेशन इज रिक्वायर्ड। डीसी के केस में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होते थे, कन्वर्जन करना पड़ता था, इसलिए सबस्टेशन जितना डिस्टेंस में, जितना दूरी में डीसी का सबस्टेशन होगा उतना ही दूर में एसी का सबस्टेशन होगा वो कम होगा। सपोज मान लिया जाए कि डीसी सप्लाई है तो चार स्टेशन जब जरूरी होते हैं सबस्टेशन, उतना ही डिस्टेंस के लिए एसी के लिए क्या हो जाएगा, वो संख्या कम जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, लाइटर ओवरहेड करंट सप्लाई वायर कैन बी यूज्ड। हमने पहले बताया कि जैसे वोल्टेज ड्रॉप कमेगा तो जो वहां पे वायर यूज हो रहे थे उस वायर का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइटर यानी हल्का वाला वायर यूज कर सकते हैं। अगर वायर हल्का यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली है कि जो उसका सपोर्ट है, सपोर्ट जिससे वायर इंस्टॉल्ड है, सपोर्टेड है, वो सपोर्ट भी क्या होंगे, हल्का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यही है, रिड्यूस्ड कैपिटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। कैपिटल कॉस्ट पूरा का बात कर रहे हैं, कैपिटल कॉस्ट जो इलेक्ट्रिफिकेशन करने में लगता है वो कम जाएगा। ये था कुछ एडवांटेज, आगे डिसएडवांटेज पे आते हैं। सिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, कॉस्ट तो कम जाएगा फिर भी इतना कम नहीं कि इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, यानी फिर भी काफी इसका कॉस्ट रहेगा। नेक्स्ट है, इंक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ लाइन। हमने पहले बताया था कि डीसी के केस में इंटरफेरेंस कम्युनिकेशन लाइन का नहीं होता है, लेकिन एसी के केसेस में कम्युनिकेशन लाइन का इंटरफेरेंस होता है, जिसकी वजह से सर्जेज क्रिएट होते हैं, और सर्जेज और भी सोर्स की वजह से सर्जेज क्रिएट होते हैं डीसी लाइन में, तो यहां पे फॉल्ट का चांस ज्यादा होता है, इसलिए मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या होता है, इसका बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, ओवरहेड वायर फर्दर लिमिट क्लियरेंस इन टनल। ध्यान रखिएगा, हमने बताया था कि जो डीसी के केस में वोल्टेज यूज होता है वो 700 से थोड़ा ज्यादा होता है, 1500 तक, लेकिन यहां पे वोल्टेज का वैल्यू आप देख सकते हैं 11 किलो वोल्ट बहुत काफी होते हैं, 25 किलो वोल्ट बहुत ज्यादा होता है। तो इसके लिए क्लियरेंस जो चाहिए, किसी को शॉक ना लगे टनल में, या सिंपली क्लियरेंस या ग्राउंड से क्लियरेंस जो भी रिक्वायरमेंट हो वो काफी होना चाहिए। अगर टनल बनाया जा रहा है जैसे अंडरग्राउंड ट्रेन के लिए तो वहां पे भी क्लियरेंस ज्यादा होना चाहिए, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। रेलवे ट्रैक्शन नीड इम्यून पावर विथ नो कट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप अगर सोच रहे हैं कि जो ट्रेन के ओवरहेड में जो सप्लाई रहता है उसमें कभी सप्लाई बंद होता है तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि वहां पे कभी भी सप्लाई कट नहीं होता, ये बात आप ध्यान रख लिए, कभी भी उसमें सप्लाई कट नहीं होता है। हाँ, ये भले ही हो सकता है कि फॉल्ट आ गए जिसके वजह से उतना दूर के सप्लाई को रोक दिया गया, फॉल्ट को बीच में दूसरा पैरेलल लाइन बना करके ट्रांसमिट किया जाता है, लेकिन कभी भी सप्लाई उसमें खत्म नहीं होता है, पैरेलल लाइन होता है। आगे हम लोग इसका ओवर हेड इक्विपमेंट पढ़ेंगे। तो ये था इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आगे हम लोग देखते हैं कंपोजिट सिस्टम क्या होता है और उसमें सप्लाई कैसे दिया जाता है। नेक्स्ट है कंपोजिट सिस्टम। अभी आपने एसी ट्रैक्शन सिस्टम देखा, एकदम सेम उसी का है, यहाँ पे जो सप्लाई होंगे वो 25 किलो वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई होगा इस ओवरहेड वायर में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज होता है, यहाँ पे जो मोटर लगे हैं वो डीसी मोटर लगे होंगे। बात समझिएगा, अब बताइए यहाँ से एसी आ रहा है और यहाँ पे डीसी है, दोनों का काम हो गया ना, इसीलिए इस सिस्टम को कंपोजिट सिस्टम बोला जाता है।
सप्लाई आ रहा है एसी और यहाँ पे काम कर रहा है डीसी पे। अब ये अरेंजमेंट कैसे होता है, सबसे पहले ये सप्लाई यहाँ से आता है, फिर ट्रांसफार्मर के पास आता है, ट्रांसफार्मर के पास इस वोल्टेज का वैल्यू को क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस्ड कर दिया जाता है और फिर यूज होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम होता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफायर नहीं होते हैं, यहाँ पे और भी जो स्विचिंग इक्विपमेंट होंगे, फिल्टर होगा, कैपेसिटर होगा, ये सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट यहाँ पे लगे होते हैं, उसके सहायता से इसको डीसी में कन्वर्ट किया जाता है और फिर से वही मोटर कंट्रोल, यानी यहाँ से सप्लाई को कंट्रोल करके मोटर के पास प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसीलिए इस सिस्टम को कौन सा सिस्टम बोला जाता है, कंपोजिट सिस्टम बोला जाता है। इसमें कोई और अरेंजमेंट नहीं है। एडवांटेज डीसी वाला भी एडवांटेज होगा, जो इसमें एसी का एडवांटेज था यहां से मिल जाएगा, डीसी का एडवांटेज था यहां से मिल जाएगा। तो ये था कंपोजिट सिस्टम और ज्यादातर सिस्टम यही वाला अभी प्रीफर किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। एक बात और, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले। देखते रहिए दी शानदार, मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।